ओम नमः शिवाय मित्रों, माँ नर्मदेश्वर सीलिंग आर्ट से मैं विष्णु केवट आपके इस चैनल में माँ नर्मदेश्वर सीलिंग आर्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने पिछले वीडियो में मेरे तो वीडियो में बहुत सहयोग किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही सहयोग करते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा, धन्यवाद आप सभी का तहे दिल से। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही यूनिक पावरफुल नर्मदेश्वर सीलिंग के बारे में बात करेंगे और कितने इंच का घर में रख सकते हैं, सीलिंग कहाँ से प्राप्त होगा, कितने में आता है, इसकी कीमत कितनी होती है, घर में रखने के लिए कितना बड़ा सीलिंग होना चाहिए, जलाधारी कैसी रखना चाहिए, आपको आपके मंदिर के हिसाब से कितना बड़ा जलाधारी होना चाहिए, इस प्रकार से सभी विषयों में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप जो सब सीलिंग देख रहे हैं, ये देखो, ये 8 इंच का है, 6 इंच का है, 4 इंच का है, ये सीलिंग 6 इंच का है, ये सीलिंग 4 इंच का है, ये सभी अपने सामने जो भी सीलिंग देख रहे हो 2 इंच से लगा के 6 इंच तक रखे हैं, जिसमें एक सीलिंग 8 इंच से 7 इंच में है। और आज बहुत ही अद्भुत जलाधारी के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, आपको ये न्यू और नया जलाधारी देखने को मिल रहा है। ये देखिए, 6 इंच का जलाधारी है और 3 इंच का शिवलिंग है। जो तो ये शिवलिंग अभी तक इतिहास में बकावा में पहली घर हमारे घर में बनाया गया है। क्या है कि ये भी यूनिक जलाधारी है, जो अभी तक सिंपल जलाधारी आपने देखी, ये जलाधारी सिंपल है, ये जलाधारी सिंपल है, ये जलाधारी सिंपल है, लेकिन ये जलाधारी यूनिक है, जो 6 इंच का है। अभी तक इतिहास में पहली बार ऐसी जलाधारी बनाई जा रही है, वो भी पहली बार, जो भी लेगा वो बहुत किस्मत वाला होगा। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लो, क्योंकि मैं अगला वीडियो नर्मदेश्वर बनने की कैसा बनता है, किस तरह से बनता है, पत्थर कहाँ पे मिलता है, ये सभी जानकारी प्रदान करूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि मैं अगला वीडियो बहुत ही खास और यूनिक बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने एक और हमारा पिछले वीडियो आपने हमने जो बनाया था उसमें आपने बहुत सहयोग दिया, तो वो अभी वीडियो आपने नहीं देखा तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप वो वाला भी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बहुत ही यूनिक नर्मदेश्वर सीलिंग है। तो बात करते हैं, तो बात करते हैं ओमकार नर्मदेश्वर सीलिंग। ये देखिए, ये शिवलिंग ओमकार नर्मदेश्वर सीलिंग, ये 6 इंच का है। ये देखिए, ये घर में स्थापित कर सकते हैं, घर में स्थापित करने के लिए 106 इंच का सीलिंग होना चाहिए। देखिए ओमकार नर्मदेश्वर सीलिंग, ये देखिए, इस पे जल डालने पे बाहर नहीं जाता, इस पे चमक हम रहस्य बताते हैं। ये देखिए, अभी ये सीलिंग धूप में हम वीडियो बना रहे हैं, तो अभी ये सीलिंग इस पे पॉलिश नहीं हुई है, तो ये अभी सूख जाएगा, इसकी चमक गायब हो जाएगी। लेकिन जैसे इस पे अपन शहद, जल, ऐसी चीज़ें डालेंगे तो ये चमकने लग जाएगा। अभी थोड़ी देर में ये देखिए, ऐसी इससे अभी चमक नहीं है, लेकिन ये अब इस पर जो जल डाल रहा हूँ तो ये चमकने लग जाएगा। ये देखिए, ये सीलिंग चमक रहा है, इसका चमक का रहस्य यही है। आप जितना जल में डालोगे पानी, जल जितना डालोगे उतना सीलिंग चमकेगा, क्योंकि सीलिंग जो नर्मदा जी में से जो होते हैं वो कई सालों से पड़े रहते हैं, उन्हें हम तराशते हैं तो वो चमक उन पर आई जाती है। तो ये आप शिवलिंग देखो, ये 8 इंच का है, ये देखिए, ये शिवलिंग 4 इंच का है, जलाधारी 8 इंच की, ये देखिए, ये शिवलिंग आप जो देख रहे हैं इसमें बहुत ही अद्भुत धूम कर, ये देखिए, इसमें मालाएं बनी हुई है, देखिए 4 इंच का शिवलिंग है, बहुत ही प्यारा और सुंदर दिखाई देता है। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सुंदर दिखाई दे रहा है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन जानकारी आपको सही मिलती रहेगी और आप सपोर्ट करते रहिए और वीडियो के अंत तक बनते रहिएगा। ये देखिए, ये वीडियो इसमें आपको चंद्रमा बनी हुई है, ये देखिए, इसमें चंद्रमा बनी हुई है,
ये 4 इंच का शिवलिंग है जो दिखाई में घर में रखने स्थापित योग्य है। ये यूनिक शिवलिंग, ये येलो कलर में मिक्सिंग कलर जने वाला शिवलिंग है। ये देखिए इसमें भी जने वाला है शिवलिंग है। ये शिवलिंग अरे बना नहीं, ये देखो दोस्तों ये शिवलिंग इसमें कुछ भी नहीं किया गया है, अखंड बना हुआ है। इसमें शिवलिंग भी अलग है, जलाधारी जुड़ा हुआ है, शिवलिंग वो जलाधारी जुड़ा है। ये शिवलिंग अलग है, ये जलाधारी अलग है, ये दोनों में बहुत अंतर है। इसमें शिवलिंग और जलाधारी जुड़ा हुआ अलग अलग, इसमें इस वाली में ये पूरा जुड़ा हुआ, इसे अखंड निर्देश शिवलिंग बोलते है। ये सभी जितने भी शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं ये अभी इन पे जल नहीं डाला गया। अब मैं आपको जल इस पे चमक वाली रस्ट बता रहा हूँ। ये देखिए जल डाल रहा हूँ इसमें चमक आएगी। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा हो कैमरे में, ये आपको चमक आती होगी। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे शिवलिंग आपको छोटे छोटे दिखाता हूँ। ये 4 इंच का बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय है, जिसमें रेड कलर से जनेऊ बना हुआ है। ये देखिए बहुत ही प्यारा और सुंदर दिखाई देता है। इस शिवलिंग में इसकी जलाधारी बनेगी तो बहुत ही अत्यंत प्यारा दिखाई देगा। दोस्तों वीडियो बड़ा होता जा रहा है और आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो एक बार देखना होगा, बार बार नहीं, लेकिन ऐसे शिवलिंग देखने को भी नहीं मिलते।